हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी है और उसे आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, स्टेशन लेते हैं जहाँ से आपको कहाँ तक का जाना है वो लेते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट के जस्ट बगल में तीन क्लास होता है, मतलब तीन कोटा होता है, जनरल होता है, लेडीज होता है और तत्काल होता है। ये तो तीनों में से मान लीजिए अगर कोई ऐसा पैसेंजर आता है तो हम उसका टिकट बुक कर देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई सीनियर सिटीजन आ गया तो इस पोर्टल से कैसे बुक करेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन का तो यहाँ पर कोई टैब ही नहीं होता है, ना कोई कोटा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर इस चीज़ को आप किसी मोबाइल में देखना चाहते हो तो बड़े आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा क्लास है, सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, तत्काल है, सब कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन इस पोर्टल पे आपको बस तीन ही कोटा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से सीनियर सिटीजन का टिकट कैसे बुक करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझ सके। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो स्पाइस मनी की आईडी है उसको लॉग इन कर लेते हैं और जो ट्रेन टिकट का बुकिंग का ऑप्शन होता है वहां पर हम आकर सीधे बुकिंग वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बुकिंग करते हैं वैसे नॉर्मल स्टेप आपको फॉलो करना है, लाइक आपको कहाँ से कहाँ तक का जाना है, डेट ले लेना है, और वहां पर आपको जो तीन क्लास दिख रहे हैं, तीन कोटा दिख रहे हैं, वहां पर आपको जनरल ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहां तक आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च कर देंगे, जितनी भी ट्रेन होगी वहां पर आपको लिस्ट दिख जाएगा, जिस ट्रेन में आपको बुक करना है वो ट्रेन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्लास ले लीजिए कि आपको कौन सा एसी चाहिए, कौन सा क्लास रहेगा, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी या स्लीपर जहाँ जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि हाँ कितनी है, जिस डेट में है वो डेट आप ले लीजिए उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको नोटिस करने वाली बात है, जो ध्यान देने की बात है वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप देखते होंगे कि आपको पैसेंजर की डिटेल्स डालने को बोलता है। ठीक है, आप पैसेंजर की डिटेल्स डाल दीजिए, जेंडर देख लीजिए, और अब देखिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है, जो रेलवे का क्राइटेरिया है, वो कम से कम 60 साल होता है। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन में 58 साल है, लेकिन स्पाइस मनी के पोर्टल पर ये 60 साल है। अब एज पे जहाँ पर आप एज उसका डालेंगे, एज वाले टैब में उसका एज डालेंगे, जैसे ही आप 58 डालेंगे, आपका जो सीनियर सिटीजन का जो यहाँ पे बॉक्स दिखता है वहाँ पर चेकबॉक्स ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। मतलब आप पैसेंजर का नाम डालें, जेंडर डालें और एज, एज पे डिपेंड करता है कि वो सीनियर सिटीजन होगा या नॉर्मल टिकट होगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि नहीं ये 60 साल के हैं तो उनका आप सीनियर सिटीजन में करना चाहते हो, जैसे ही आप 60 वहाँ पर डालेंगे वो तुरंत सीनियर सिटीजन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके लिए हमें कोई सेलेक्ट अदर से नहीं करना पड़ेगा, भैया सीनियर सिटीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यही है वो प्रोसेस, आप समझ गए होंगे कि सीनियर सिटीजन का जो टिकट है कैसे बुक करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।